प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल और दो सरकारी गनर शूटआउट को आज एक साल पूरा हो गया है। पहली बरसी उमेश पाल के परिवार वालों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। सुबह घर पर पूजा और हवन के बाद श्रद्धांजलि सभा में लोगों की बड़ी तादाद उमड़ी। वारदात की पहली बरसी पर उमेश पाल के साथ ही बलिदानी सिपाही राघवेंद्र सिंह और संदीप निषाद को श्रद्धांजलि दी गई। परिजनों के साथ बड़ी संख्या में राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग भी शामिल हैं। उमेश पाल के चित्र पर फूल चढ़ाकर लोग नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। परिजनों का कहना है कि उमेश पाल की कमी हमेशा खलेगी। हत्या में वांछित चल रहे 5-5 लाख के इनामी शूटर अरमान बिहारी, साबिर बम्बाज गुड्डू मुस्लिम व अतीक की बीवी इनामी शाइस्ता परवीन से परिवार को खतरा है। हालांकि परिजनों ने शूटआउट में शामिल ज्यादातर आरोपियों को मिट्टी में मिलाए जाने पर सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है। साल भर पहले 24 फरवरी 2023 को कचहरी से लौटते समय सुलेम सराय में घर के बाहर उमेश पाल की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने फिल्मी अंदाज में वारदात को अंजाम दिया था। उमेश पाल की सुरक्षा में तैनात दो सरकारी गनर राघवेंद्र सिंह और संदीप निषाद भी मारे गए थे। हमलावरों ने दहशत फैलाने के लिए बमबाजी भी की थी। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। उमेश पाल बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह थे। शूटआउट से पूरे प्रदेश में सनसनी फैल गई थी। जयापाल की तहरीर पर धूमनगंज पुलिस ने गुजरात के साबरमती जेल में बंद रहे माफिया अतीक, बरेली जेल में निरुद्ध रहे उसके भाई अशरफ, अतीक के बेटे, बीवी समेत कई अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस व एसटीएफ के एनकाउंटर में अतीक का बेटा असद समेत 4 आरोपित ढेर हो गए थे। साजिश में शामिल कई अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। काल्विन अस्पताल में 15 अप्रैल की रात अतीक और उसके भाई अशरफ की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस की ओर से वांछित अभियुक्तों पर 5-5 लाख का इनाम घोषित किया गया, मगर अरमान, साबिर और गुड्डू फरार चल रहे हैं। माफिया की बीवी शाइस्ता पर भी 50,000 का इनाम है, जो गिरफ्त से दूर है।